क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारत देश को एक महान देश मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू हो चुका है जिसका सभी को इंतजार था, भारत और पाकिस्तान का अद्भुत मुकाबला एशिया कप 2022 का। दोस्तों, सबसे पहले तो दोनों ही देशों की नेशनल एंथम पढ़ाई गई, उसके बाद दोनों ही कप्तान आमने सामने आए, बाबर आजम और रोहित शर्मा। दोस्तों, टॉस का वक्त हो गया था, दोनों ही कप्तान एशिया कप की ट्रॉफी के बगल में ठहर कर टॉस के लिए तैयार हो गए। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए, संजय मांजरेकर ने टॉस को उछाला। दोस्तों, आप सभी को बता दें, टॉस और किसी ने नहीं, हमारे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जीत लिया। आप जी दोस्तों, टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना है हमारे रोहित शर्मा ने, जो कि इस पिच के हिसाब से सबसे बेहतरीन डिसीजन है। तो वहीं बाबर आजम से भी पूछा गया कि अगर वो टॉस जीतते तो क्या लेते, उन्होंने भी कहा कि मैं गेंदबाजी ही चुनता, क्योंकि ये पिच पूरी तरीके से गेंदबाजी के लिए सक्षम है, खास करके पहले गेंदबाजी करने के लिए। दोस्तों, आधा मुकाबला तो रोहित शर्मा टॉस में ही जीत चुके हैं, जहां उन्होंने बाबर आजम को टॉस में हराकर गेंदबाजी को चुना। दोस्तों, आपके अनुसार बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताइए।